दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं, लेकिन बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है। मालेगांव शहर में बहुत से आगजनी के मामलात सामने आए। बस्तियों में आग लगने की वजह से कई कई घर जलकर तबाह बर्बाद हो गए। इन घरों में शादी ब्याह का रखा हुआ सामान, जेवरात, नकद रकम सब कुछ राख हो गया। जिंदगियां लोगों की अजीरन हो गई, क्योंकि जिंदगी भर की जमा पूंजी इस आग में बर्बाद हो गई। लेकिन ऐसे मौके पर शहर मालेगांव का एक ऐसा शख्स जो हर वक्त गरीबों के साथ खड़ा रहता है, जो प्यार मोहब्बत बांटता है, जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, यानी के बंडू काका बच्चाओं इन बस्तियों में पहुंचे और लोगों की मदद की। ये आनन वाला मामला है। यहाँ की गरीब बस्ती में बंडू काका यहाँ पे आए, बहुत सारे लोग आए, मगर उन्होंने अभी कोई बात नहीं बोली, आगे बोलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा बंडू काका जो है, इससे पहले भी जहाँ पे आग लगी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। संजरी चौक वगैरह में, नौकिरन साइडिंग पे, हर ऐसे बहरहाल ये गरीबों के दर्द को जानने वाला इंसान है ना। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग जैसे जो बात पब्लिक बोलती है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा बहुत बड़ा अनुभव है कि बंडू काका इस शहर में ऐसी शख्सियत है कि वो कहीं पे भी कुछ हादसा हो जाए और उसमें ये खड़े होकर मदद करता है। ना उसके पास जात है, ना धर्म है, ना मजहब है, ये सब चीज का वो ख्याल नहीं करता है। और ऐसे इंसान की इस शहर में जरूरत है। मैं बंडू काका का बहुत बहुत पस्ती की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान मोहम्मद रमजान। आपको आयशा नगर आगजनी का मामला याद होगा। यहाँ पर जब आग लगी तो कई घर, तकरीबन 16 घर इस आग की झपेट में आ गए। बंडू काका बच्चाओं ने यहाँ पहुंचकर लोगों को बर्तन और दीगर जरूरी सामान तकसीम किए। इसी तरह नाग छाप झोपड़पट्टी का हादसा भी आपको याद होगा। यहाँ पर भी बंडू काका बच्चाओं ने पहुंचकर लोगों की मदद की, गरीबों के साथ खड़े रहे, उनके दुख दर्द को बांटा। रमजानपुरा बिस्मिल्ला चौक के मामले को शायद आप भूल नहीं सकते। बहुत ज्यादा ही खतरनाक आग यहाँ पर लगी थी, जिसमें कई घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए थे। इन घरों में रखा हुआ सामान भी पूरी तरह खत्म हो चुका था। लेकिन मोहब्बत का पैगाम देने वाला और गरीबों के दुख दर्दों को बांटने वाला बंडू काका बच्चाओ वो भी यहाँ पहुंचे और तकरीबन 14 लाख रुपए की लोगों की मदद की। 14 लाख रुपए से बंडू काका बच्चाओं ने गरीबों की मदद की और उनके साथ खड़े रहे। 22-23 तारीख की रात को जो अपने मालेगांव में आयशा नगर में जो हादसा हुआ वो बहुत ही दर्दनाक हुआ। बहुत सारे गरीब लोगों की, कम से कम 20-25-40 लोगों की घर और झोपड़ी जल के खाक और निस्तनाबूत हो गई। बेचारे सब परिवार रास्ते पे आ गए। खाने का और जूना आवश्यक जो भी वस्तु है, घर में का सामान है, सब जल के खाक हो गया। ये 2-3 दिन पहले मेरे को शफीक एंटी साहब, जाबिर भाई, इनकी तरफ से मालूमात पड़ी। मेरे यहाँ भी थोड़ा सा कार्यक्रम था, नामको बैंक का चुनाव चल रहा था, मैं रुका था। फिर भी वहाँ जाके विजिट करने से ज़्यादा या आके कुछ तो भी दे के जाना, ये मैंने जरा मुनासिब समझा। इसीलिए हम सब जिम्मेदार, हमारे 12 बलूतीदार राम रहीम का हॉस्पिटल हमने जब चालू किया था, तब साबिर भाई थे, इजाज भाई थे, शफीक एंटी साहब थे, अभी जाबिर भाई है। तो हमारी 12 बलूतीदार की जो कमेटी है, तो क्या करना चाहिए। तो आज इनको पहले अभी वो रास्ते पे आ गए, उनका खाना पकाने का जो कोई सामान सामग्री है वो नहीं है, तो वो पहले देनी चाहिए। 12 बलूतीदार हमारा जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन हमेशा जात पात धर्म ना देखते हुए सब गरीब की खिदमत करता है। पीछे जब कोरोना का टाइम था, तब हमने राम रहीम हॉस्पिटल निकाला था। रमजानपुरा में जब बड़ा हादसा हुआ, तो तुम्हारी, हमारी, अपने मालेगांव की बेटी, मेरी लड़की प्राजक्ता का जब शादी हुई, तब 14 लोगों को वहाँ के उनके घर बनाने के लिए 12-13 लाख रुपए दिए थे और घर बनवाने में बड़ा सहयोग दिया था।
उससे पहले भी नवकिरण साइजिंग के पास हादसा हुआ था, वहां भी हम आके सहयोग किया था, वो चार साल पहले। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, ये कोई राजकारण नहीं, ये हमदर्दी है और गरीब के लिए जो जज्बात है वही है। बंडुका का बच्चाओ हमेशा इस शहर में एक अच्छा माहौल कायम करना चाहते हैं। बंडुका का बच्चाओ इस शहर को तरक्की की ओर ले जाना चाहते हैं। इसलिए 20 नवंबर के होने वाले चुनाव में हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है कि हम बंडुका का बच्चाओ को भारी अक्सरियत से कामयाब करें, ताकि इस शहर का विकास हो, इस शहर में प्यार मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब का माहौल कायम हो, बरकरार रहे।